हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल क्रिटिकल केमिस्ट्री क्लासेस साईबाग। चलिए हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे थे, जिसमें 6 लेक्चर हो चुका था, आज लेक्चर नंबर 7 होगा। पिछले वीडियोस में हम लोग देखे थे वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी में हम लोग जानकारी लिए कि आखिर ये क्या बताया, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बॉन्डिंग के नेचर को एक्सप्लेन किया वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ना। चलिए अब हम लोग देखेंगे आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आज का लेक्चर रहेगा आईपीसी नोमेनक्लेचर, इंपॉर्टेंट है आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईपीसी नोमेनक्लेचर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामिनेशन में आपका आता है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी देखो आईपीसी नोमेनक्लेचर, ये जो लेटेस्ट वर्जन इसका है वो 2005 का, 2005। इन 2005 आईपीसी रिकमेंडेड द फॉलोइंग रूल्स फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। 2005 में आईपीसी ने एक रूल को दिया जिससे कि हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग लिख सकते हैं। कब दिया? 2005 में अपडेट किया हुआ है, ठीक है। इस रूल के अनुसार हम लोग नाम लिखेंगे, जो कि रूल इस प्रकार से है। पहले आपको ये रूल एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मैं सारा रूल को आपको समझा लेता हूँ, 8 पॉइंट इसके अंदर आएगा, 8 रूल इसके अंदर आएगा, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मैं एग्जांपल दूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहला रूल बोलता है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड हो, चाहे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या सिंपल कंपाउंड हो, पहला कैटायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे, उसके बाद एनायनिक पार्ट का नाम लिखेंगे। पहला किसका नाम? कैटायनिक पार्ट, उसके बाद एनायनिक पार्ट। हम क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड चाहे तो सिंपल हो, कंपाउंड चाहे तो सिंपल हो या फिर कैसा हो, कॉम्प्लेक्स हो, पहला नाम लिखा जाएगा किसका? कैटायनिक। उसके बाद फिर नाम लिखेंगे किसका? एनायनिक। पहला पार्ट किस, पहला नाम किसका लिखेंगे? कैटायनिक। उसके बाद किसका लिखेंगे? एनायनिक। जैसे सिंपल कंपाउंड में एक एग्जांपल देता हूँ, सोडियम क्लोराइड। बताओ यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस होता है, तो बताइए तो पहला कैटायनिक पार्ट कितने, इसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। पहले कैटायन, उसके बाद क्या? एनायन। क्या ऐसा कभी लिखते हैं क्या? क्लोराइड सोडियम कभी लिखते हैं क्या? क्लोराइड सोडियम लिखते हैं क्या? ये तो एनायन उसके बाद कैटायन होगा, ऐसा तो नहीं होता। तो ये तरीका गलत है, चाहे कंपाउंड सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, पहला पार्ट लिखेंगे किसका नाम? कैटायनिक पार्ट। उसके बाद किसका लिखेंगे? एनायनिक पार्ट। ये तो हम सिंपल कंपाउंड का एग्जांपल लिए, कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही करना है, पहले कैटायन उसके बाद क्या? एनायन। पहला पॉइंट समझ आ रहा है? पहला पॉइंट में बोलेंगे द नेमिंग ऑफ कैटायनिक पार्ट इज रिटेन फर्स्ट एंड देन द नेमिंग ऑफ एनायनिक पार्ट इज रिटेन इन एनी कॉम्प्लेक्स, इन एनी कंपाउंड वेदर इट इज सिंपल और कॉम्प्लेक्स। चाहे तो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, उससे पहला कैटायनिक पार्ट, उसके बाद फिर क्या? एनायनिक। बात समझ आ रही है? चलिए दूसरा पॉइंट, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी। नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नामकरण कैसे करें? देखो भाई, मैं आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दो चीज होता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, इसको ये स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर दो चीज होता था, मेटल और फिर क्या होता था? लिगेंड्स। यही ना होता था, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दो चीज होता था, मेटल और क्या? लिगेंड। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में हम लोग नाम पहले किसका लिखेंगे? तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में पहला नाम लिखा जाएगा लिगेंड का, उसके बाद मेटल का। पहला नाम किसको लिखेंगे? लिगेंड का, उसके बाद किसका लिखेंगे? मेटल का। तो हम लोग बोलेंगे कि लिगेंड का नाम पहले होगा, लिगेंड का नाम पहले होगा, फर्स्ट लिगेंड फर्स्ट एंड देन उसके बाद कौन आएगा बताओ? तो मेटल आएगा। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जब घुसेंगे तो लिगेंड का नाम हम लोग पहले लिखेंगे, उसके बाद भी नाम किसका लिखेंगे? मेटल का। बात समझ में आ रही है? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट,
हाँ, अगर हम लोग लिगेंड का नाम लिखेंगे तो तीसरा पॉइंट यहां लिखेंगे नेमिंग ऑफ लिगेंड। नेमिंग ऑफ लिगेंड बिल्कुल रूल बहुत आसान है, बस केवल आप समझो, इसी प्रकार से समझे हैं नेमिंग ऑफ लिगेंड। अब देखो लिगेंड जो है ना वो आपको तीन प्रकार का देखने को मिलेगा, एक एनायनिक लिगेंड मिलेगा, एक कैटायनिक लिगेंड मिलेगा और एक न्यूट्रल लिगेंड मिलेगा। एनायनिक लिगेंड, कैटायनिक लिगेंड और कौन सा लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड। अब अगर तीसरा का एम है, तीसरा का एम अगर एनायनिक लिगेंड आता है, हम लोग एक एक करके काम करेंगे, अगर एनायनिक लिगेंड आता है तो एनायनिक लिगेंड के नाम के अंत में आपको देखने को मिलेगा क्या, देखने को मिलेगा ए टी या फिर आई टी या फिर आई डी। क्या बोल रहे हैं, नाम के अंत में क्या मिलेगा, एंडिंग में क्या मिलेगा, ए टी आई टी या फिर क्या मिलेगा, आई डी। तो इनको फाइनल ई, फाइनल ई मतलब लास्ट वाला जो ई है, फाइनल ई को रिप्लेस कर दिया जाएगा, इज रिप्लेस्ड बाय, हटा दिया जाएगा किसके द्वारा, ओ के द्वारा, एंड मेड और उसको बना दिया जाएगा एटो आईटो आईडो, मतलब बना दिया जाएगा एटो आईटो और आईडो, ऐसे बना दिया जाएगा। क्या कर रहे हैं, द नेमिंग ऑफ एनायनिक लिगेंड इंड विथ ए टी आई टी आई डी इज रिप्लेस्ड बाय ओ, फाइनल इज रिप्लेस्ड बाय ओ एंड मेड इट एटो आईटो आईडो, इस तरह से बनाएंगे। जैसे समझिए, नहीं समझे, मान लिया जाए हम बोले सल्फेट, क्या बोले सल्फेट, तो सल्फेट SO4 2-, तो लिगेंड का जब नाम लिखने की बारी आएगा तो इसको सल्फेट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके लिए, सल्फेट लास्ट में ई जो है उसको हटा करके क्या बना देंगे, ओ, बोलो क्या हो जाएगा सर, सल्फेट। तो नहीं, जैसे आ गया मान लीजिए सल्फाइड, सल्फाइड S2-, बोलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सल्फाइड, ई को हटाइए, बोलिए क्या हो जाएगा, सल्फाइडो होगा। जैसे हो जाएगा ऑक्सलेट, ऑक्सलेट बोलिए C2O4 2-, जहां भी ई आ रहा हटाओ, बोलो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सलेटो आ रहा है। जैसे मान लिया जाए हेलाइड है, हेलोजन, हेलोजन, हेलोजन एक्स के जगह पे यहाँ पे रहेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नहीं और आयोडीन, तो क्या लिखेंगे बता, तो हेलिडो, हेलिडो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो और आयोडीडो। ये हेलिडो भी लिख, हेलिडो भी लिख सकते हैं या हेलो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो भी चलेगा, दोनों चलेगा इसमें, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए चाहे इस प्रकार से ऑक्साइड है, ऑक्साइड है O पे 2-, तो बोलिए क्या बोलेंगे, ऑक्सीडो होगा, इस तरह से। तो जहां भी आपको मिलता है ई, उसको ई को हटा करके हम लोग क्या बना देंगे, ओ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, एनायनिक लिगेंड जहां भी आएगा उसको ई को हटा करके क्या बना देंगे सर, ओ बना देंगे, तो ये कहलाएगा एनायनिक लिगेंड और ये आपको मिल जाएगा एटो आईटो और आई। चलिए नेक्स्ट बी नंबर रूल बोलता है केटायनिक लिगेंड। केटायनिक लिगेंड में क्या है वो समझिए, केटायनिक लिगेंड के नाम के अंत में आपको IUM मिलेगा, नाम के अंत में क्या मिलेगा, IUM, एंडिंग में नाम के अंत में क्या मिलेगा, IUM। फिर से समझिए, केटायनिक लिगेंड के नाम के अंत में क्या देखने को मिलेगा सर, IUM। जैसे एग्जांपल समझेंगे, मान लिया जरा ऐसे मिला NO2+, तो इसको बोलेंगे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, देखो तो लास्ट में IUM मिल रहा है पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अगर मिल गया मान लीजिए NO2+, तो इसको क्या बोलेंगे, नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। जैसे मान लिया मिल जाएगा NH2NH3+, तो बोलिए इसको क्या लिखेंगे, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम। नहीं, मान लिया जाए मिल गया NH4+, तो इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम, अमोनियम। देखो तो सबके जहां भी पॉजिटिव चार्ज है सबके नाम के अंत में क्या देखने को मिल रहा है, IUM। नेगेटिव वाले के केस में ई जो मिलेगा उस ई को हटा करके क्या बन लगा देंगे, ओ, तो बन जाएगा एटो आईटो और क्या बन जाएगा, आईडो। बात समझ में आ रही है।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तीसरा लिगेंड, तीसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, न्यूट्रल लिगेंड, तीसरा देखने को मिलेगा न्यूट्रल लिगेंड। अब देखो भाई न्यूट्रल लिगेंड के केस में क्या करेंगे कि जो भी न्यूट्रल लिगेंड आएगा उसका नाम वैसे ही लिखा जाएगा जैसे पहले से है, द नेमिंग ऑफ न्यूट्रल लिगेंड इज रिटेन एज सच एज, जैसा है वैसा ही लिखेगा, एज सच एज, जैसे मान लिया जाए आ गया पीएच 3 तो इसको क्या लिखते हैं फॉस्फीन, तो ये फॉस्फीन ही है ना। जैसे मान लिया जाए लिखा जाएगा ये CO, क्या नाम है इसका कार्बोनिल, ये सब न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड के सारा लिस्ट दिया गया आपको। PPH3 बताइए क्या नाम है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, NH2CONH2, NH2CONH2, दिस वन इज यूरिया है ना। इसी प्रकार से आपको बहुत सारा देखने को मिलेगा यहाँ पे EN, EN का नाम बताए थे इथिलीन डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन ना, मिथाइलामीन बहुत सारा था, CH3NH2 मिथाइलामीन, दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड्स, मिथाइल अमीन ना। उसके बाद क्या था आपको बताइए तो डाइन था, इस तरह से डाइन, डाइथिलीन ट्राइअमीन, उसके बाद था पीवाई, पीवाई बोले तो पाइरिडीन, ये सब सभी कौन सा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड जिसपे कोई चार्ज नहीं है और कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल लिगेंड के केस में नाम जैसा है वैसा ही लिख देंगे एज सच एज, ठीक है। लेकिन इसके अंदर दो एक्सेप्शन आएगा, दो एक्सेप्शन आएगा, तो कौन कौन सा एक्सेप्शन आएगा, एक एक्सेप्शन आएगा H2O वाटर लिखना चाहिए था इसको, लेकिन वाटर ना लिख करके इसको लिखेंगे एक्वा या एक्वो, क्या लिखेंगे एक्वा या फिर क्या लिखेंगे एक्वो, और दूसरा NH3, NH3 को अमोनिया ना लिख करके हम लोग इसको लिखेंगे अमीन, डबल एम होगा अमीन, बात समझ में आ रहा है। दो एक्सेप्शन केस है यहाँ पे, H2O को एक्वा लिखेंगे या एक्वो, और NH3 को क्या लिखेंगे अमीन, ए डबल एम आई एन ई, ये दोनों एक्सेप्शन है। न्यूट्रल लिगेंड होने के बावजूद भी इसका ओरिजिनल नाम नहीं लिखा जा रहा है, ये एक्सेप्शन है। H2O को एक्वा लिखेंगे, NH3 को क्या लिखेंगे अमीन लिखेंगे। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे चौथा रूल की तरफ। पहला रूल में क्या बोले, कंपाउंड चाहे सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, पहला कैटायनिक पार्ट नाम लिखना है, उसके बाद एनायनिक पार्ट का। दूसरा पार्ट में क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इंटरव्यू में जैसे घुसेंगे तो दो चीज मिलेगा, मेटल और लिगेंड, जिसमें कि लिगेंड का नाम पहले लिखा जाएगा उसके बाद मेटल का। तो लिगेंड में जब घुसे तो नेमिंग ऑफ लिगेंड में तीन प्रकार का लिगेंड देखने को मिलेगा, तीन प्रकार का लिगेंड देखने को कौन कौन मिला भाई, तो एक एनायनिक लिगेंड मिला। एनायनिक लिगेंड को पहचानने का क्या तरीका है, चार्ज तो होगा, नाम के अंत में देखने को मिलेगा एटी आईटी आईडी, उस फाइनल ई को हटा दिया जाएगा ओ के द्वारा, बना दिया जाएगा एटो आईडो और आईटो, ये बना दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल दिया गया, ये आपको नोट्स में भी प्रोवाइड किया गया है। उसके बाद केटायनिक लिगेंड, केटायनिक लिगेंड के नाम के अंत में देखने को क्या मिलेगा आईयूएम, केटायनिक लिगेंड के नाम के अंत में देखने को क्या मिलेगा आईयूएम, जैसे नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, हाइड्राजीनियम, एमोनियम, यही सब आएगा। उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड के केस में क्या होगा बताओ, जैसा नाम है वैसा ही लिखा जाएगा एज सच एज, जैसे फॉस्फीन, कार्बोनिल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, यूरिया, इथिलीन डाइअमीन, मिथाइलामीन, ये सब आया है ना, डाइट, डाइथिलीन ट्राइअमीन, पीवाई को क्या बोले थे पाइरिडीन है ना, ये सब था। एक्सेप्शन यहाँ पे दो आएगा, कौन कौन सा, एक वाटर को वाटर ना लिख करके हम लोग क्या बोलेंगे एक्वा, एक्वा बोलेंगे, और NH3 को क्या बोलेंगे हम लोग बताइए अमीन बोलेंगे, ए डबल एम आई एन ई अमीन बोलेंगे, बात समझ आ रहा है। इसको स्क्रीनशॉट ले ले, इसी तरह से आप याद करेंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास रूल नंबर 4। चलिए ये तो हम लोग लिख लिए कि नेमिंग ऑफ लिगेंड कैसे करेंगे, ठीक है। जब लिगेंड का नाम लिखा हो जाएगा तो उस केस में हम लोग अब मान लिया जाए कि डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स आ जाएगा उस केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज करेंगे। रूल नंबर 4, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ
अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर कब चेक किया जाएगा? जब अलग अलग लिगेंड्स आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स आ जाएगा, जब डिफरेंट डिफरेंट लिगेंड्स आ जाएगा तो उस केस में हम लोग उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नोमेनक्लेचर करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कंपाउंड इस प्रकार से मिला है, देखो एक सिंपल एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे HCrH2O का हॉल 3 NH3 का हॉल 3, इस प्रकार से कंपाउंड है। तो बताइए सबसे पहले यहाँ पे कौन से सेंट्रल मेटल आयन है, कौन लिगेंड्स है, बताएंगे। क्रोमियम क्या हुआ, ये सेंट्रल मेटल आयन हुआ, बाकी बात सारा का सारा क्या होगा, लिगेंड्स। ठीक है, अब बताओ लिगेंड्स तो है, अब बताओ इनमें से सबसे पहला नाम किसका लिखा जाएगा, सेंट्रल मेटल आयन का कि लिगेंड्स का? पहले लिगेंड्स का, अभी मैं बोला था पहले लिगेंड्स का, उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन, अभी सेंट्रल मेटल आयन में नहीं घुसे, लिगेंड्स का नाम पहले लिखा जाएगा। अब देखो तो क्या यहाँ पे लिगेंड एक ही है, एक ही टाइप का है? नहीं, दो टाइप का। कौन कौन सा मिला, H2O और NH3। H2O का नाम बताओ तो वाटर नहीं बोलेंगे, H2O का नाम बताओ, अभी मैं बोला था क्या, एक्वा, और NH3 को क्या बोले थे, अमीन। तो बताओ सर पहले किसका नाम लिखा जाएगा, पहले एक्वा लिखे या पहले अमीन लिखे, पहले एक्वा लिखे या पहले अमीन लिखे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना पड़ेगा। तो देखो भाई दोनों का पहला लेटर तो सेम हो गया, दूसरा लेटर मिलाओ, कहीं तो डिफरेंसेस तो आएगा ही आएगा। चलिए यहाँ पे Q आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, M, बताएंगे पहले कौन आएगा, बोलो पहले कौन आएगा, Q आएगा, तो इसका नाम पहले लिखेंगे। जब भी आपको कंफ्यूजन हो, पहले अमीन लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर Q लिखेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर डिफरेंट लिगेंड्स रहेगा, डिफरेंट लिगेंड्स उपस्थित रहेगा, अभी सारा एग्जांपल देंगे, अभी मैं केवल रूल सिखा रहा हूं आपको, डिफरेंट लिगेंड्स रहेगा तो उस केस में हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखेंगे लिगेंड्स का, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को यूज किया जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखा जाएगा जब लिगेंड कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा। अब भाई डिफरेंट लिगेंड्स तो रहेगा तो चलो भाई हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज कर लेंगे, ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन अगर एक ही लिगेंड बार बार रिपीट करेगा, सेम लिगेंड बार बार रिपीट करेगा, तो उस केस में हम लोग कैसे काम करेंगे। जब सेम लिगेंड बार बार रिपीट करेगा तो हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग हेडिंग लिखेंगे यूजेस ऑफ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को यूज कैसे करेंगे, ठीक है, प्रीफिक्स को यूज कैसे करेंगे, ये बड़ा पॉइंट है, समझेंगे। क्या बोल रहे हैं कि अगर एक ही लिगेंड बार बार रिपीट कर गया, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, तो उस केस में हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे बिफोर द नेमिंग ऑफ लिगेंड। क्या बोल रहे हैं, इफ सेम लिगेंड आर रिपीटेड, इफ सेम लिगेंड आर रिपीटेड, अगर सेम लिगेंड रिपीट होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करेंगे before the naming of ligand, ligand के नाम के पहले, जैसे such as क्या यूज करेंगे बताओ, जैसे bifortris, दो बार अगर आता है तो by यूज करेंगे, trifortris, तीन बार आता है तो try यूज करेंगे, चार बार आता है तो टेट्रा यूज करेंगे, फोर टाइम्स के लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा, पांच बार आता है पेंटा, पेंटा, फाइव टाइम्स, है ना, छह बार आता है हेक्सा, हेक्सा यूज करेंगे फोर, सिक्स टाइम्स के लिए। बात समझ में आ रही है, फिर से देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ सेम लिगेंड्स आर रिपीटेड देन क्या करेंगे, प्रीफिक्स आर यूज बिफोर द नेमिंग ऑफ लिगेंड, लिगेंड के नाम के पहले प्रीफिक्स को यूज कर रहा है, जैसे प्रीफिक्स यूज करेंगे बाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। बाई कब लगाएंगे, जब दो बार रिपीट करेगा, ट्राई कब लगाएंगे, जब तीन बार रिपीट करेगा, चार बार के लिए टेट्रा, पांच बार के लिए पेंटा। अब जैसे मान लो सर H2O अभी आया था, हम लोग इस प्रकार से लिखे थे थ्री टाइम्स, तो बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे, क्या H2O अकेले है, तीन बार है ना, तो इसको क्या लिखेंगे बता, तो तीन बार है तो ट्राई एक्वा,
बात समझ में आ रहा है? अगर मान लो कि यहाँ पे रहता है इस प्रकार से पांच बार, तो बोलो तो क्या लिखते हैं? पेंटा एक्वा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि NH3 रहता चार बार, तब बताइए क्या लिखते हैं? टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। लेकिन अगर मान लो सिर्फ NH3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब अकेले रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब बार बार रिपीट करेगा तो उस केस में हम लोग ये प्रीफिक्स को यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान। लेकिन इसमें एसी के अंदर एक और पॉइंट कि अगर उस लिगैंड में पहले से कोई प्रीफिक्स अटैच है, अगर लिगैंड में पहले से कोई प्रीफिक्स अटैच है तो उस केस में हम लोग ये प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे, हम लोग न्यूट्रल एडजेक्टिव्स को यूज करेंगे। क्या बोल रहे हैं? इफ लिगैंड्स हैव ऑलरेडी अटैच्ड अ प्रीफिक्स, अगर लिगैंड के पास पहले से कोई प्रीफिक्स अटैच है तो उस केस में न्यूमरल एडजेक्टिव्स को यूज किया जाएगा। क्या बोल रहे हैं? इफ लिगैंड्स हैव ऑलरेडी अटैच्ड न्यूमरल प्रीफिक्स, अगर पहले से उसके साथ प्रीफिक्स है तो उस केस में ये बाई ट्राई टेट्रा पेंटा ना लगा करके हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करेंगे। जैसे क्या यूज करेंगे? बीस फोर ट्विस, दो बार के लिए बीस, ट्राइस फोर थ्राइस, तीन बार के लिए ट्राइस, चार बार के लिए लगाएंगे टेट्रा किस फोर फोर टाइम्स, पांच बार के लिए पेंटा किस फोर सिक्स फोर फाइव टाइम्स, इसी प्रकार से चलेंगे, छह बार के लिए हेक्सा किस फोर सिक्स टाइम्स, हेप्टा किस फोर सेवन टाइम्स चलेगा। ये बीस त्रीस टेट्रा किस पेंटा किस कब लगेगा? जब लिगेंड के पास पहले से कोई प्रीफिक्स अटैच रहेगा। समझिए, बताओ अगर मान ले सर कि लिगेंड में पहले लिगेंड में आ गया ई एन, ये पॉइंट समझेंगे आप, यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी गलती करते हैं। मान लो कि ई एन आया, ई एन का नाम बताओ, तो ई एन का नाम बताया था इथिलीन डाइएमीन, इथिलीन डाइएमीन। तो यहाँ पे मान लो कि तीन लगा, पहले इसका नाम बताओ, इथिलीन डाइएमीन, ये तो इसका नाम हुआ ई एन का। अब बताओ इथिलीन डाइएमीन में पहले से डाई आ रहा है, पहले से प्रीफिक्स आ रहा है, कहीं भी उसके नाम के अंदर अगर प्रीफिक्स मिलता है तो वो वाला नहीं लगेगा, न्यूमरल प्रीफिक्स नहीं लगेगा, एडजेक्टिव। बात समझ में आ रहा है? तो बताओ यहाँ पे डाई तो पहले से आ गया, और बताओ ईएन कितना टाइम आ रहा है? तीन, तो ट्राई नहीं लगाएंगे यहाँ पे, उस केस में क्या लगाएंगे बताओ? तो ट्रिस। तो बताओ इसका क्या नाम हो जाएगा? ट्रिस इथिलीन डाइएमीन। ट्रिस क्यों लगाए, ट्राई क्यों नहीं लगाए? तो डाई पहले से था, इस वजह से पहले से अगर प्रीफिक्स अटैच रहेगा तो उस केस में नॉर्मल प्रीफिक्स यूज ना हो करके वो क्या लगेगा? न्यूमरल एडजेक्टिव को यूज किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे अब एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारा रूल आपको समझा दिए, ठीक है। मान लो कि हमारे पास कंपाउंड इस प्रकार से है, हाँ समझने का कोशिश करेंगे, सी आर सी एल थ्री PPH3 का थ्री टाइम्स, ठीक। चलिए अब यहां पे सबसे पहले नाम लिखना है, कौन एनायनिक लिगेंड है, कौन कैटायनिक लिगेंड है, थोड़ा बता दो भाई, बताओ यहां पे। CR ये क्या हुआ? सेंट्रल मेटल आयन हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं। बाकी बात का सारा क्या हुआ? लिगेंड हुआ। लिगेंड यहाँ पे सीएल क्लोरीन, अभी नाम बताए थे क्लोराइड है, तो इसको क्लोरिडो बोलेंगे या क्लोरो भी बोल सकते हैं, क्लोरिडो बोलिए या क्लोरो। और पीपीएच थ्री का नाम बताए थे, पीपीएच थ्री का ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, और यहाँ पे ट्राई तीन बार फिर से आ रहा है, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन तो इसका नाम है, और ये कितना बार आ रहा है बताओ? तो तीन बार। तो बताओ यहाँ पे नाम कैसे लिखा जाएगा? पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो क्रोमियम का बोलिए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसका एक्स मान लिए, क्लोरीन का कितना होता है वैल्यू? माइनस वन इंटू थ्री, ये तो पहले पिछले वीडियोस में बताया गया है। उसके बाद ट्राइफिनाइल फॉस्फीन न्यूट्रल लिगेंड, जीरो इंटू थ्री इज इक्वल टू क्या? जीरो।
बोलेंगे x प्लस माइनस वन माइनस थ्री प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, नाउ x इज इक्वल टू प्लस थ्री आ गया। तो आप बताओ कि यहाँ पे चार्ज क्या आ रहा, कितना आ रहा, प्लस थ्री आ गया। अब चेक करने का तरीका देख लो, सही है कि गलत लाए हो, तरीका समझिए क्या बोल रहे हैं। ये तो हम लोग कैलकुलेट करके लाए क्रोमियम का, एक क्लोरीन का एक माइनस तो तीन क्लोरीन का तीन माइनस हो जाएगा। ये माइनस तीन कैसे लिखे, एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है एक माइनस, तो तीन क्लोरीन पे तीन माइनस। ट्राइफिनाइल फॉस्फेट न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड तो कितना जीरो हो गया। अब यहाँ पे अंदर में टोटल चार्ज ऊपर जोड़िए तो यहाँ ब्रैकेट में चार्ज आ जाएगा, अंदर में जितना भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जितने भी स्पीसीज रहेंगे सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड सभी को चार्ज को जोड़िए कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा। बोलेंगे प्लस तीन माइनस तीन जीरो, यहाँ पे कितना आ गया बताइए तो जीरो। बात समझ में आ गई। चलिए अब नाम लिखना है, बोलो पहला नाम किसका लिखा जाएगा, केटायनिक सॉरी पहला नाम लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे केटायनिक केटायनिक नहीं है, पहले तो सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड। बोलो पहला नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का। तो लिगेंड यहाँ पे दो प्रकार का देखने को मिल रहा है सर, एक क्लोरीडो और एक ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। बोलो पहले कौन लिखा जाएगा, क्लोरीडो की ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, पहले टी की पहले सी, सी क्लोरीडो, कितना क्लोरीडो बताओ तो तीन बार, तो क्या लिखेंगे बताओ, ट्राई क्लोरीडो होगा, इसका काम खत्म। उसके बाद ट्राइफिनाइल फॉस्फीन तो इसका पीपीएस थ्री का नाम है, लेकिन ये कितना बार है तीन बार, तो देखो तो ट्राइफिनाइल पीपीएस थ्री का नाम था ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन में ट्राई तो पहले आ गया, प्रीफिक्स तो पहले लग गया, और ये कितना बार है बताओ तो तीन बार, तो क्या फिर से ट्राई लगा देंगे, नहीं, क्या लगाएंगे उस केस में, ट्रिस। जहां भी पहले से प्रीफिक्स मिला उस केस में वो नॉर्मल प्रीफिक्स ना लग करके एडजेक्टिव लग जाएगा। तो हम लोग इस केस में क्या बोलेंगे, ट्रिस लगेगा। बोलो ट्रिस क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे या नहीं भी ब्रैकेट देंगे तो चलेगा, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, लिगेंड का नाम हो गया दोनों। उसके बाद सेंट्रल मेटल आयन क्या है, क्रोमियम, तो यहां लिख देंगे सर क्रोमियम, और जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो रोमन नंबर में ब्रैकेट में लिख देंगे थ्री। खैर अभी आपको यहां तक समझ में आना चाहिए, अभी सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखने के लिए नहीं सिखाया हो, दो चीज सिखाया हो, लिगेंड का नाम लिखने के लिए, तो लिगेंड का नाम लिखने के लिए तो आना चाहिए। यहां दोनों रूल आ गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी आ गया, प्रीफिक्स को भी हम लोग यूज किए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्लोरीडो लिखे, उसके बाद प्रीफिक्स में हम लोग ट्राई ट्रिस को यूज किए। बात समझ में आ रही है, आपको सब समझ में आ जाएगा, बस केवल रूल को केवल ध्यान में रखना है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जितना रूल आपको बता रहा हूँ, जितना रूल आपको समझा रहा हूँ, बस उसको केवल दिमाग में रखिए, आसानी से काम हो जाएगा। यहाँ तक रूल सबका क्लियर है, क्या बोले, ये तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, ये डिफरेंट लिगेंड्स रहेगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज कर लेंगे। प्रीफिक्स के केस में क्या करेंगे, अगर सेम लिगेंड बार बार रिपीट करता है तो उस केस में हम लोग देख लेंगे कि कौन लिगेंड सेम है, सेम लिगेंड रहेगा तो प्रीफिक्स यूज कर लेंगे। लेकिन अगर उस लिगेंड के नाम पे पहले से कोई प्रीफिक्स लगा हुआ है, पहले से प्रीफिक्स अटैच है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, नंबर न्यूमरल एडजेक्टिव को यूज कर लेंगे, जैसे इस टेट्रा की स्पेंटा की सेंस यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो एग्जांपल देखिए, बहुत सारा आगे अभी मैं बस केवल रूल को समझा रहा हूं। उसके बाद छठा नंबर पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप समझने का कोशिश करेंगे, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, नेमिंग ऑफ सीएमआई, नेमिंग ऑफ सीएमआई, सेंट्रल मेटल आयन का नाम। अब देखो अभी तक जो हम लोग काम कर रहे थे सारा लिगेंड का काम किए तक, उतर पॉइंट नंबर थ्री से लेकर के फाइव तक, थ्री फोर फाइव सब में लिगेंड आया। अब हम लोग काम करना किसका, सीएमआई का, लिगेंड का नाम यहीं तक खत्म हो गया। अब सीएमआई का नाम डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, सीएमआई का नाम डिपेंड करेगा किस पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, समझेंगे। सीएमआई का नेमिंग डिपेंड्स अपॉन, निर्भर करता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज पे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोले थे बताए थे, स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग क्या बोले थे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। देखो यहाँ पे दो पॉइंट इसके अंदर आएगा, नेमिंग ऑफ सीएमआई के अंदर दो पॉइंट आएगा, अगर कोऑर्डिनेशन, हाँ क्या बोले, सीएमआई का नाम डिपेंड कर रहा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज पे,
अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज नेगेटिव आया, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज क्या आया नेगेटिव, तो सेंट्रल मेटल आयन के नाम के अंत में ई लगेगा। क्या लगेगा? ई लगेगा। इससे सीखिए, इफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज नेगेटिव चार्ज, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पास कौन सा चार्ज है नेगेटिव चार्ज, देन द नेमिंग ऑफ सीएमआई एंड विथ अंतिम में क्या लगेगा एंड विथ ई। फिर से सीखिए, इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज नेगेटिव चार्ज देन द नेमिंग ऑफ सीएमआई एंड विथ ई, ई से एंड होगा। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया NiCl4 with 2 minus, end with 8, end with 8, आपको ये तो रहेगा ही। हाँ चलिए एक देखो एग्जांपल, देखो समझ में आ जाएगा। बोलो यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन है? निकेल है। चलो निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। बोलो ये x क्लोरीन, एक क्लोरीन का -1 × 4 = -2। बोलो कितना हो जाएगा x - 4 = -2, x = -2 + 4। नाउ x = कितना हो जाएगा +2। मतलब निकेल पे चार्ज कितना आया बताइए तो +2 आया। नहीं, अब चेक करने का तरीका देखो, तो एक निकेल निकेल पे +2, एक क्लोरीन पे 1 - 2, चार क्लोरीन पे 4 - ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ यहाँ पे अगर चार्ज अंदर में चार्ज जोड़ोगे ना तो यहाँ आ जाएगा। बताओ +2 - 4 कितना आ गया -2। सही है, इस तरह से चेक किया जाता है। चलो इसको हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है? ये कैसे निकाले समझ में आ गया? अब देखिए यहाँ पे बताओ दो चीज मिल रहा है, एक लिगेंड मिल रहा है और एक सेंट्रल मेटल आयन। तो पहला नाम किसका लिखेंगे? लिगेंड का। पहला नाम किसका? लिगेंड का। बोलो लिगेंड यहाँ पे कौन है? Cl, Cl का नाम अभी बताए थे, क्लोरो लिखेंगे या क्लोरीडो लिखेंगे? कितना क्लोरीडो बताओ? 4। क्लोरीडो में कहीं एडजेक्टिव पहले से प्रीफिक्स नहीं आ रहा है, तो बोलो क्या लिखेंगे? टेट्रा क्लोरीडो इसका नाम। उसके बाद यहां जब नाम लिखोगे सेंट्रल मेटल आयन, तो उस केस में यहां चार्ज जरूर देखता। जब CMI का नाम लिखेंगे उस समय कहां देखेंगे? यहां ब्रैकेट पे चार्ज देखेंगे। बोलो ब्रैकेट पे चार्ज क्या मिल रहा है? नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो सेंट्रल मेटल आयन के नाम के अंत में क्या लगेगा? At। नेगेटिव चार्ज के सेंट्रल मेटल आयन के नाम के अंत में क्या लगेगा? At। तो बोलो यहां पे निकेल है सर, तो क्या लग जाएगा? निकेल नहीं लिखाएगा, ये क्या लिखेगा? निकलेट। क्या लिखाएगा? निकलेट। और जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो रोमन नंबर में लिखेगा। बात समझ में आ रही है? फिर से सीखिए क्या बोल रहे हैं कि सेंट्रल मेटल आयन का नाम डिपेंड करेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज पे। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज कौन सा हो? नेगेटिव चार्ज हो। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज कैसा हो? नेगेटिव चार्ज हो, तो सेंट्रल मेटल आयन के नाम के अंत में क्या लगेगा? एटी लगेगा। जैसे यहाँ के लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए, पहले लिगेंड का नाम लिखे टेट्रा क्लोरीडो, यहाँ नाम लिखते समय सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखते समय चार्ज को देखें, यहाँ चार्ज मिला नेगेटिव, इसलिए लास्ट में क्या लग गया? एटी लग गया, निकलेट हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि कुछ एक्सेप्शन आए, मान लो कि आयरन आया तो आयरनेट नहीं लिख देंगे, आयरनेट नहीं होगा, फिर लेटिन वर्ड से आएगा। Fe आया CMI में, तो हम लोग इस केस में इसको आयरनेट ना लिख करके क्या लिखेंगे? फेरेट लिखेंगे। सिल्वर आ गया तो सिल्वरेट नहीं लिख देंगे, तो इस केस में हम लोग लिखेंगे अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। जैसे मान लो गोल्ड आ गया तो गोल्ड गोल्डेट नहीं लिख देंगे, एयूरेट, ये सब लैटिन वर्ड वाला से लिखेंगे, एयूरेट। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लो इरिडियम आ गया तो इरिडेट, 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 ये हो जाएगा लास्ट में एडी की लगेगा। पीडी आ गया तो पेलाडेट, नहीं पलम्बेट होगा इस प्रकार से। सीयू आ गया तो क्यूप्रेट, मैंगनीज आ गया तो मैंगनेट, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। कुछ एक्सेप्शन केस है, हम वही चीज आयरनेट नहीं लिख सकते, हम लोग सिल्वरेट नहीं लिख सकते, उस केस में अर्जेंटेट फिलेट ये सब यूज करेंगे। बात समझ आ रही है? ये सब भी आपका पॉइंट लिखा हुआ आपका नोट्स में।
CMI का नाम डिपेंड कर रहा है किस पे बताइए तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज पे। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज के नाम के अंत में क्या मिलता है, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज क्या मिलता है नेगेटिव, तो हम लोग को मेटल आयन का नाम जब लिखेंगे तो अंतिम में ATE डालना जरूरी होगा, ATE डालना जरूरी होगा, ठीक है, जैसे ATE हम लोग डालेंगे, ठीक। उस केस में कुछ एक्सेप्शन है, हम लोग Fe जब सेंट्रल मेटल आयन आएगा तो आयरनेट का लिख करके क्या लिखेंगे, फेरेट, एर्जेंटेट, एयुरेट, ये सब लिखेंगे। ये तो हुआ ए नंबर। बी नंबर, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज, अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज मिलता है या न्यूट्रल रहता है, कोई चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज या फिर क्या न्यूट्रल, तो उस केस में कोई झमेला नहीं, सीएमआई का नेमिंग जो है रिटेन एज सच एज, जैसा नाम होता है वैसा ही लिखेंगे। पॉइंट समझिए क्या बोल रहे हैं कि इफ द कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैज कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या न्यूट्रल, देन द नेमिंग ऑफ सीएमआई इज रिटेन एज सच एज, जैसा है वैसा लिख दिया जाएगा। सिर्फ बदल किस में रहा है, बदल किस में रहा है, नेगेटिव चार्ज के केस में, नेगेटिव चार्ज रहेगा तब अंतिम में क्या लगेगा, ATE लगेगा। बात समझ में आ रही है। चलो इसमें भी कुछ एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। तो मान लिया जाए कि हमारे पास एग्जांपल इस प्रकार से आता है, निकेल NiNH3 का हॉल 6 और Cl2, ठीक। बताओ यहां पे कौन सा कंपाउंड मिलता है, पहले चेक करना होगा कि न्यूट्रल है पॉजिटिव चार्ज है, ये तो चेक करना होगा। चलो हो जाएगा चेक, कोई दिक्कत नहीं, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। हाँ बोलो, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन कौन है, निकेल, ऑक्सीडेशन नंबर इसका निकाल लेंगे। बोलो तो लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकेल, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है। चलिए कितना हो जाएगा, एक्स मान लेंगे। बोलो यहाँ सर एक्स NH3 न्यूट्रल लिगेंड 0 × 6 प्लस क्लोरीन से आगे, क्लोरीन का कितना -1 × 2 = कितना 0 होगा। उसके बाद बोले x प्लस 0 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, नाउ x विल बिकम प्लस 2, नहीं प्लस 2 किस पे, x माने थे किसको, निकेल को, तो यहां पे लिख दो इसका आया वैल्यू प्लस 2, ठीक। चलो इसको मिटा देते हैं। अब थोड़ा सा ये समझो, आप यहाँ पे लिगेंड कौन है, सेंट्रल मेटल आयन कौन है, और पहला नाम किसको लिखेंगे, चार्ज पहले चेक करो कि क्या ये सही है कि गलत है। निकेल प्लस टू लाए थे, बताओ तो NH3 न्यूट्रल लिगेंड 0 होगा, यहाँ पे चार्ज जोड़िए सर, ब्रैकेट के अंदर चार्ज जोड़िए, यहाँ पे चार्ज मिल जाएगा। बोलो ब्रैकेट के अंदर जोड़ो, जोड़ो कितना जाएगा प्लस 2 0, कितना जाएगा प्लस 2, एक क्लोरीन पे एक माइनस तो दो क्लोरीन पे दो माइनस, यहाँ पे प्लस 2 चार्ज आया था इसलिए दो माइनस दो क्लोरीन लेकर के आया। अगर यहाँ पे एक प्लस रहता ना तो यहाँ पे Cl सिर्फ रहता, अगर यहाँ तीन प्लस रहता ना तो यहाँ पे Cl3 रहता, तीन क्लोरीन रहता, जितना प्लस रहेगा उतना तो माइनस रहेगा ही रहेगा, सीधी सी बात है। बात समझ पा रही है। अब यहाँ पे फिर से सीखो कि हम लोग क्या किए, चार्ज कैसे ला रहे, समझ पा रहे ना, ये अंदर वाला का पूरा का चार्ज जोड़ेंगे तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज आ जाएगा, और इसी चार्ज का तो यूज करना है हम लोगों को। अब बताओ यहाँ पे केटाइनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों मिला है, ये ब्रैकेट वाला पूरा पार्ट केटाइनिक और ये वाला पार्ट क्या होगा एनायनिक, तो पहला नाम किसको लिखेंगे, केटाइनिक पार्ट को लिखा जाएगा। बोले केटाइनिक पार्ट यहाँ पे कौन है भाई, केटाइनिक पार्ट कौन है, ये वाला पार्ट है, एनायनिक पार्ट, एनायनिक पार्ट लास्ट में लिख देंगे। चलो ठीक है, तो बोलो केटाइनिक पार्ट में हम लोग को पहले कौन मिला, सीएमआई और लिगेंड, तो पहले नाम किसका लिखेंगे, लिगेंड का, लिगेंड यहाँ पे कौन है, NH3, NH3 का नाम बताया थे आपको अमीन, अमोनिया नहीं क्या, अमीन, कितना अमीन है 6, बोलो क्या लिखेंगे सर, हेक्सा अमीन, हेक्सा अमीन, इसका लिगेंड खत्म हो गया। अब इसका नाम जब लिखेंगे सीएमआई का, उस समय चार्ज देखेंगे, बोलो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव, पॉजिटिव, न्यूट्रल, बोलो पॉजिटिव आए, तो पॉजिटिव रहेगा या न्यूट्रल रहेगा, तो नेमिंग इज रिटेन एज सच एज, जैसा है वैसा। तो बताओ क्या इसका निकलेट लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, निकेल, सिर्फ निकेल
उसके ये काम खत्म हो गया। सॉल्यूशन नंबर कितना आया सर 2, तो यहां पे रोमन में 2 लिख देंगे, इसका काम खत्म। और लास्ट में लिख देंगे क्लोराइड। ये क्लोराइड क्यों लिखे, क्लोरीडो क्यों नहीं लिखे बताओ, ये क्लोरीन बाहर है ना, स्फीयर के बाहर है, तो ये काउंटर आयन इसलिए क्लोराइड लिखे। अगर यही क्लोरीन अंदर रहता तो लिगेंड कहलाता, और लिगेंड के केस में इसको क्लोरीडो बोलते। बात समझ में आ रहा है, ये काउंटर आयन है इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, क्लोराइड बोल रहे हैं। अगर ये क्लोरीन अंदर रहता तो लिगेंड के रूप में रहता, और लिगेंड के रूप में रहता तो क्लोरीडो बोलते या क्लोरो बोलते। बात समझ में आ रही। अब एक चीज आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर यहाँ पे डाई क्लोरीन है, दो क्लोरीन है, तो आप सिर्फ क्लोराइड लिख दिए, डाई क्लोराइड क्यों नहीं लिखे, ये भी तो बोल सकते हैं, डाई क्लोराइड क्यों नहीं लिख सकते। तो देखो सर ये तो नॉर्मल हो गया, ये तो काउंटर आयन नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल के जैसा ट्रीट करेंगे। अब बताओ हम लोग कैल्शियम क्लोराइड लिखते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं क्या CaCl2, क्या हम लोग ऐसा बोलते हैं यहाँ पे कैल्शियम डाई क्लोराइड बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। ये नॉन टर्म है कि अगर यहाँ पे 2 प्लस है तो यहाँ पे 2 माइनस आया होगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड बोले था, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो ऐसे लिखते हैं AlCl3, क्या ऐसा बोलते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, नहीं बोलते, क्यों, जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ भी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव आया, इसलिए हमने डाइक्लोराइड नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा क्लोराइड लिखा। बात समझ आ रही है, तो बाहर काउंटर आयन रहेगा तो आपको डाइक्लोराइड लगाने का जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लो कि एल्यूमिनियम सल्फेट लिखे तो Al2SO4 का 3, तो क्या हम लोग इसको क्या बोलते हैं एल्यूमिनियम सल्फेट, ऐसा नहीं बोलते हैं, डाई एल्यूमिनियम ट्राई सल्फेट नहीं बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोगों को पता है कि वैलेंसी कितना होगा, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस और सल्फेट पे क्या 2 माइनस। बात समझ आ रही है ना, तो यहाँ पे ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, जब काउंटर आयन के रूप में कोई स्पीसीज रहेगा तो उस केस में डाई ट्राई लगाने की जरूरत नहीं है। ये नॉन टर्म होता है, ये ज्ञात है कि अगर यहाँ 2 प्लस है तो 2 क्लोरीन आया ही होगा, अगर 3 प्लस है तो 3 क्लोरीन आया ही होगा। बात समझ आ रही है, तो पॉजिटिव चार्ज था इसलिए नाम में कुछ नहीं लगा अंत में, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था इसलिए लास्ट में क्या लग गया था AT। दोनों बात समझ में आ रहा है, लेकिन अगर न्यूट्रल रहता तब क्या करते, सेम जैसा है वैसा ही, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ आ रहा है, तो ये छठा पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर हाँ CMI के नाम के अंत में ATE तभी लगाएंगे जब ब्रैकेट पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, लेकिन अगर पॉजिटिव या न्यूट्रल आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसा नाम होता है वैसा लिख देना हो जाएगा। तो कहां तक पहुंचे भाई, रूल नंबर 6, रूल नंबर 7। अब देखो रूल नंबर 7 में हम लोगों को क्या करना है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है CMI का, देखो तो CMI का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, तो यहां पे ब्रैकेट में 2 लिखे, यहां पर दिया है 2 तो ब्रैकेट में 2 लिखे, कुछ नहीं है, ये आसान रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI। जो CMI का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखने के बाद ब्रैकेट में रोमन नंबर भी लिखते हैं, क्या लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर को, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI इज रिटेन इन ब्रैकेट बिफोर द नेमिंग ऑफ क्या, बिफोर द नेमिंग ऑफ CM या सॉरी बिफोर नहीं आफ्टर, आफ्टर द नेमिंग ऑफ CMI इन रोमन नंबर, रोमन नंबर में हम लोग दिखाएंगे ब्रैकेट में CMI के, यहाँ पहले CMI लिखाएगा उसके बाद उसका नाम उसका ऑक्सीडेशन नंबर रोमन नंबर में दिखाएगा। और एक अंतिम पॉइंट है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अंतिम पॉइंट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। देखो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में क्या करनी है आपको, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट में हम लोग देखिए इन केस ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड, सिर्फ एम्बिडेंटेड लिगेंड के केस में लागू होगा। एम्बिडेंटेड लिगेंड आपको बताया गया था ना कि स्पीसीज तो एक ही रहेगा लेकिन डोनर साइट कितना रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, हो सकता है, तो एम्बिडेंटेड के केस में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताना जरूरी है, एम्बिडेंटेड लिगेंड के केस में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताना जरूरी है। जैसे अभी हम लोग बोले थे एम्बिडेंटेड के केस में पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताना जरूरी है, मान लिया था CN- आ गया, तो CN- तो ये पता नहीं चलता है कि कहां से बॉन्डिंग बनाया हुआ है, ये तो एम्बिडेंटेड लिगेंड था। आपको बताया था कि अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन CN देता है, अगर वही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है तो इसको बोलेंगे NC, ऐसा बताया था स्ट्रक्चर इसका, याद करिए
यहाँ डोनर साइट था, यहाँ डोनर साइट था, अगर एक बार सी देगा एक बार एन देगा, सी देगा तो साइनो, अगर एन देगा तो इसको क्या बोले थे, आइसो साइनो, आइसो साइनो, या फिर इसको बोलेंगे साइनो एन, बोले थे साइनो एन। तो देखो तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताया जा रहा है ना, यहाँ पे बॉन्ड किससे बन रहा है, कार्बन से, यहाँ पे बॉन्ड किससे बन रहा है, नाइट्रोजन से। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को बताना जरूरी होगा जब कौन सा लिगेंड रहेगा, एम्फीडेंटेड लिगेंड। तो तीन ही तो एम्फीडेंटेड लिगेंड आपको मैं बताया था, एक सी एन माइनस बताया था, एक एनओ टू माइनस बताया था, और एक और बताया था कौन सा, एस सी एन माइनस, यही ना था, तीन एम्फीडेंटेड। तो ये पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बताना जरूरी है कि बॉन्ड किससे बन रहा है, बात समझ में आ रही है। चलो अब हम लोग बहुत सारा लेक्चर देखिए भाई, इतना सारा भूल समझ लिए, अब आपका भी दिमाग हैंग कर रहा होगा, नहीं अब कुछ नहीं हैंग करेगा, फारे फार समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ क्लियर, अभी भी समझना है, एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट का एग्जांपल लूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। K4FeCN का हॉल 6 इसका नोमेनक्लेचर करना, नोमेनक्लेचर करना सीख चाहिए आप, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे तैयार हो जाएगा, बन जाएगा। देखो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिले डरना नहीं है, आप सबसे पहले सेंट्रल मेटल आयन को छांटिए। सेंट्रल मेटल आयन को छांटने का मैं तरीका बताया हूं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, बोले तो ब्रैकेट के अंदर जो पहला स्पीसीज मिलेगा दैट इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल आयन, मतलब ये सेंट्रल मेटल आयन है उसके नीचे अंडरलाइन करो, ठीक, अंडरलाइन कर दिए उसके बाद क्या करो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो पहले। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका मैं बताया हूं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, चलो निकाल लो, रफ में जाकर के भी निकाल लें। बोले पोटेशियम ग्रुप वन का मेटल है तो प्लस वन इंटू फोर, छात्र सीखा। आगे बढ़ेंगे आयरन कितना, x, फिर आगे बढ़ेंगे साइनाइड माइनस वन इंटू सिक्स, साइनाइड के माइनस वन, छह साइनाइड है, क्या कोई चार्ज आपको दिख रही है, नहीं, इज इक्वल टू कितना, जीरो। चलिए बताएंगे प्लस फोर प्लस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, माइनस टू आ जाएगा उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा बोली तो प्लस टू। कैलकुलेशन करने के बाद आयरन पे चार्ज कितना आया सर, प्लस टू आया, ये बात समझ में आ रही है। अब थोड़ा सा देखो जो हम लोग लाए हैं उसको प्योरिटी चेक करो, क्या ये सही है कि गलत है, चेक करना है, सीख पहले रहे आसानी से सीखेगा, ब्रैकेट के अंदर पहले काम करो। इसका तो हम लोग ले आए हैं, बोलो साइनाइड, एक साइनाइड पे एक माइनस तो छह साइनाइड पे छह माइनस, कैसे माइनस छह लिखकर समझ आया, एक साइनाइड पे एक चार्ज था ना तो छह साइनाइड पे छह माइनस नहीं होगा। अब अंदर में ये ब्रैकेट के अंदर वाला चार्ज जोड़ो, हरे फार समझो, पहले आवाज को पूरा पूरा कैच करिए, ब्रैकेट के अंदर जितना भी स्पीसीज है सबका चार्ज जोड़ेंगे, बोलो प्लस टू माइनस सिक्स कितना जाएगा बताइए तो, माइनस फोर आ गया, ये हम लोग अपने से लिख रहे हैं, माइनस फोर था तभी यहाँ पे चार पोटासियम में आया चार प्लस लेकर, अगर यहाँ पे माइनस थ्री रहता ना तो के थ्री रहता, जितना नेगेटिव होता है पॉजिटिव रहेगा, अगर यहाँ माइनस टू रहता ना तो के टू रहता, अगर सिर्फ माइनस रहता ना तो के रहता, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहता था कुछ नहीं रहता, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे चार्ज रहेगा तभी ना काउंटर आयन रहेगा, माइनस रहेगा तब प्लस रहेगा, प्लस आएगा तब माइनस आएगा, ये काम क्यों किए, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये काम क्यों किए, चार्ज क्यों नहीं किया सर, तो देखो आपका प्योरिटी पता चला कि ये पूरे पे चार्ज है माइनस चार्ज तभी यहाँ पे चार प्लस आया, मतलब सही है, प्लस चार माइनस चार सही है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक अभी आप सही है। एक चीज और पता चला कि कौन सा केटायनिक पार्ट है कौन सा एनायनिक पार्ट, बताओ ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कौन सा चार्ज है, स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज मतलब ये एनायनिक पार्ट, और ये वाला कौन सा हो गया केटायनिक पार्ट, ये केटायनिक पार्ट दो पार्ट मिल चुका है, एक केटायनिक पार्ट और ये पूरा क्या एनायनिक पार्ट। अब बताओ पहला नाम किसका लिखेंगे, केटायनिक पार्ट का, तो केटायनिक पार्ट लिखो, बोलो केटायनिक पार्ट में क्या है, पोटेशियम, चार पोटेशियम क्या टेट्रा पोटेशियम लिखे, अभी मैं बोला था कि जितना नेगेटिव चार्ज देगा उतना पॉजिटिव आना ही आना है, तो टेट्रा लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, जब काउंटर आयन में रहेगा तो ये टेट्रा पेंटा हेक्साहेप्टा कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ नाम लिखाएगा, बोलो के तो क्या लिखेंगे बताओ, पोटासियम, क्या लिखेंगे पोटासियम, हो गया,
केटा क्यों नहीं लिखे, समझ में आया? काउंटर आया, अगर यही अंदर आता तो फिर उसको काम करते, केटायनिक पार्ट खत्म। अब आए एनायनिक पार्ट, तो एनायनिक पार्ट में मिल गया आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दो चीज, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड। अरे फार समझिए, कोऑर्डिनेशन एंटिटी में दो चीज, सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड। तो बताओ पहले नाम किसका? लिगेंड का। पहला नाम लिगेंड का। लिगेंड कौन है भाई? साइनो। क्या है? साइनो। कितना साइनो है? 6। हेक्सा लगेगा, बोलो क्या लिखेंगे? हेक्सा साइनो, साइनो लिख सकते हैं या फिर साइनो सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी से यहां बॉन्ड बन रहा है, हेक्सा साइनो हो गया। लिगेंड खत्म। अब यहां पे नाम लिखना है मेटल का, तो मेटल का नाम लिखते समय कहां देखेंगे? मेटल का नाम लिखते समय कहां देखेंगे? चार्ज देखेंगे। बताओ चार्ज यहां पे क्या है? नेगेटिव। कितना नेगेटिव है? डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करेगा। कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज के अंत में क्या बोले थे? मेटल आयन के नाम जब लिखेंगे तो लास्ट में क्या लगेगा? एटी। क्या लगेगा? एटी। तो बताओ यहां पे आयरनेट लिख देंगे क्या? एक्सेप्शन केस था, तो इसको लिखेंगे फिरे। क्या लिखेंगे? फिरे। और लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर कितना बता दो? प्लस टू। तो ब्रैकेट में रोमन नंबर में यहां पे लिख देंगे ये नंबर। बात समझ में आया? फिर से एक रैंडमली देखिए क्या बोले। पहला हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद सबका चार्ज यहां पे जोड़ लेंगे, ऊपर चार्ज आ जाएगा, केटायनिक एनायनिक पार्ट पता चल जाएगा। पहले केटायनिक पार्ट लिखे, एनायनिक पार्ट में घुसे तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसमें लिगेंड और सेंट्रल मेटल आयन, पहले लिगेंड का नाम लिखे, उसके बाद सीएमआई का नाम लिखते समय चार्ज देते कौन सा चार्ज। क्लियर हो रहा है? चलिए एक क्वेश्चन मैं अभी और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर अगले वीडियोस में मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही छोड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं इस बात पे। चलिए एक एग्जांपल हमारे पास इस प्रकार से आता है सर, क्रोमियम। क्रोमियम आपको बहुत सारा एग्जांपल देखने को मिलेगा, NH3Cl Cl का 2 times और यहाँ पे लग जाता है 2+ आ जाता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नहीं है, उसको भी ना बस डरना नहीं है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, डरना नहीं आपको। ठीक, जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिला है उस पे आप पहले क्या करो, सेंट्रल मेटल आयन छाटो। बोलो सेंट्रल मेटल आयन यहाँ पे कौन है? बोलिए क्रोमियम है। दिस वन इज क्रोमियम। अब इसका पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं हम लोग? बिल्कुल निकाल लेंगे। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कितना हो जाएगा? X, इधर तो कोई नहीं है। बोलो NH3 का कितना? 0। प्लस क्लोरीन का कितना? -1। प्लस EN का नाम बताया, इथिलीन डायमीन न्यूट्रल लिगेंड, 0 × 2 = +2 होगा। चलिए X ये तो 0 हो गया, -1 प्लस 0 = +2। बोलो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +2 + 1 हो जाएगा, नाउ X इज इक्वल टू +3। ये समझ में आ गया ना? चलो बताओ क्रोमियम पे चार्ज कितना आया? 3+। अब देख रहे मुन्ना, चेक करो, चेक करने सीखो, पहले सीखो। देखो इधर काम क्या करना है, क्रोमियम +3 आ गया। हम लोगों को क्वेश्चन में ये पहले से मिला है +2, ये चीज आना चाहिए अंदर जोड़ने के बाद। बोलेगा न्यूट्रल लिगेंड NH3 का कितना? 0। एक क्लोरीन है, -1। इथिलीन डायमीन 0। अंदर जोड़ो तो देखो, तो मिल गया ऊपर वाला, अंदर जोड़िए, अंदर जोड़िए, ये क्वेश्चन में हम लोग को मिला है, अंदर जोड़िए, क्वेश्चन में मिल गया। देखो तो +3 0 - 1 0 अंदर जोड़िए, देखो 2+ मिल गया, 2+ मिल गया, मतलब सही, +3 - 1 हो ही जाएगा, मतलब जो अभी आप कैलकुलेशन किए यहां तक आपका सही है। अब इसमें चेक करो क्या केटायनिक पार्ट है और एनायनिक पार्ट है। बोलो तो केटायनिक पार्ट एनायनिक पार्ट ढूंढेगा, ये पूरा पार्ट यहाँ बोल देगा ये केटायनिक है, ये एनायनिक है, सब ये तो पूरा एक ही में है। तो ये पूरा पार्ट पे चार्ज क्या है बता दो? +2। क्या इसमें एनायनिक पार्ट है? नहीं, बोल देंगे एनायनिक पार्ट नहीं है, इसको मिटा दूं मैं। अब थोड़ा सा ये देख लेना भाई, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को कौन सा पार्ट मिला? केटायनिक। वो जरूरी नहीं, कॉम्प्लेक्स में आपको देखो बहुत सारा टाइप का मिलेगा, केटायनिक सिर्फ मिलेगा, हो सकता है सिर्फ एनायनिक मिलेगा, हो सकता है न्यूट्रल मिलेगा, ये सब चांसेस है। काउंटर आयन के साथ भी मिल सकता है, विदाउट काउंटर आयन भी मिल सकता है, तो यहाँ पे काउंटर आयन नहीं। केटायनिक पार्ट मिला, पूरा पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? केटायनिक।
ठीक, केटायनिक पार्ट मिला जिसमें दो चीज है, एक सेंट्रल मेटल आयन बाकी बात का लिगेंड, एक सेंट्रल मेटल आयन बाकी बात का लिगेंड। तो पहला नाम लिगेंड का, पहला नाम लिगेंड का। अब लिगेंड अभी यहां पे अलग अलग टाइप का आ गया, अभी इसका तो बातें छोड़ दीजिए, लिगेंड ये तीनों, तो लिगेंड में कौन कौन सा है टाइप समझो पहले। NH3 को क्या बोले थे, बोलिए अमीन। CL को क्या बोले थे, क्लोरो या क्लोरिडो। EM का नाम क्या होगा, इथिलीन डाई अमीन, इथिलीन डाई अमीन। अब देखो EM का नाम लिख रहे हो समय इथिलीन डाई अमीन, डाई तो पहले से लगा हुआ, फिर दो बार आ रहा है, क्या फिर से डाई लगा देंगे, क्या लगाएंगे 20, क्या लगाएंगे इसके लिए 20। तो बताओ, अच्छा उठी तो बात है, तो बताओ यहाँ सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले अमीन का लिखाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, उसके बाद क्लोरिडो लिखाएगा, उसके बाद इथिलीन डाई अमीन, कोई दिक्कत। चलो बोलो क्या हो जाएगा, अमीन एक ही बनना है, बोलो क्या लिखाएगा सर, अमीन क्लोरिडो या क्लोरो भी लिख सकते हैं। उसके बाद बताओ क्या ये टू है, ये का नाम होता है इथिलीन डाई अमीन, डाई तो पहले से लगा हुआ है, तो फिर से दो आ रहा है, तो डाई नहीं लगाएंगे, इस केस में क्या लगाएंगे बताओ 20, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बोलो क्या हो जाएगा सर, इथिलीन डाई अमीन। देखो तो लिगेंड का नाम हो गया, अब लिगेंड का नाम हो गया तो अब कहां चलेंगे, सीएमआई ना है, तो सीएमआई का नाम लिखते समय कहां देखेंगे, कहां देखेंगे बताओ, ये पूरा जो ब्रैकेट है उसमें चार्ज देखेंगे, बताओ यहां पे चार्ज कौन सा मिल रहा है, पॉजिटिव, कितना पॉजिटिव नेगेटिव है डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करेगा, पॉजिटिव और न्यूट्रॉन रहेगा तो जैसा है वैसा ही लिखाएगा, बोलो पॉजिटिव है तो क्रोमियम को क्रोमियम ही लिखेंगे, लेकिन अगर नेगेटिव रहता था क्रोमेट नहीं होता, लास्ट में एटी लग जाता, क्या लिखते क्रोमेट, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो क्या लिखेंगे बताओ, तो क्रोमियम, क्रोमियम और ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 3, ये वाला चार्ज नहीं लिखना है, 3 ऑक्सीडेशन नंबर ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या ये कंप्लीट बात समझ आया, ये 20 यहाँ पे क्यों लगा समझ आया, ये डाई पहले से मौजूद था इस वजह से क्या आया बता, तो तो आपको अब क्या करना है, पहले आराम से सारा रूल आप पढ़ लीजिए, एकदम अच्छे से रूल को समझ लीजिए, वीडियो को दो बार तीन बार देखो, पूरा समझ में आ जाएगा आपको, फारे फार में आपको समझा दिया हो, सारा रूल समझा दिया हो, बस केवल आपको प्रैक्टिस करनी है और डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेकर के हम लोग अगले वीडियोस में भी देखेंगे। फिलहाल आप अगर बनाना चाहते हैं तो NCERT से क्वेश्चन आप पूरा का पूरा नॉमिनेचर कर लो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा और सारा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्सेस का नॉमिनेचर बताऊंगा। चलिए आज का वीडियो यहीं तक, थैंक्स।